हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आलू की फसल में कौन कौन से रोग एवं कीड़े प्रमुख रूप से लगते हैं और उसके बचाव का उपाय क्या है। आलू की फसल में कई तरह की बीमारियां लगती हैं, जैसे कि अगेती और पिछेती झुलसा, काली रूसी, मोजाइक एवं पत्तियों का मुड़ना इत्यादि। लेकिन झुलसा सबसे खतरनाक रोग है। इसे कभी कभी किसान पाला लगना भी कहते हैं। मुख्य फसल में इसके आने का समय सर्दियों के आसपास होता है। कुहरे, बादल और बारिश जैसा मौसम होने पर यह रोग तेजी से फैलकर पौधों में दिखाई देने लगता है। इसलिए किसानों को लगता है कि फसल को पाला लग गया है, जबकि असल में यह एक रोग है जो फफूंदियों के कारण होता है। इस रोग में पत्तियों के आगे के भाग, तने और डंठलों पर छोटे भूरे रंग के धब्बे उभर आते हैं, जो बाद में काले पड़ जाते हैं और पौधे सड़ जाते हैं। इसके रोकथाम में देरी होने पर आलू के कंद भी भूरे बैंगनी रंग के होने लगते हैं और गलने शुरू हो जाते हैं। यह बीमारी काफी तेजी से फैलता है और पूरी फसल को बर्बाद कर देती है। वैसे बीज उपचार के माध्यम से हमने इस रोग के फसल में लगने की संभावना तो कम कर दी है, फिर भी इस रोग से बचाव के लिए आलू के पौधे निकलने के कुछ ही दिन बाद से खट्टा मट्ठा घोल या गोबर हींग दवा का छिड़काव हर 10 दिन पर करना चाहिए। आपके आलू के खेत में अगर यह बीमारी पिछले वर्ष भी लगी हो तो रोग से बचाव के लिए फसल के लगभग एक महीना होने के बाद से ही M45 के घोल 1 लीटर पानी में 2 ग्राम M45 पाउडर का छिड़काव 10 दिनों के अंतर पर 3-4 बार करें। छिड़काव करते समय ध्यान रखें कि पौधे के तने, पत्तियों और जड़ के आसपास की मिट्टी पर भी ठीक से छिड़काव हो। रोग लगने की स्थिति में खेत की सिंचाई अगर बहुत जरूरी हो तभी करें और बहुत हल्की सिंचाई करें। फसल को कुछ समय के लिए सूखा रखें, क्योंकि यह रोग नमी अधिक होने पर ज्यादा फैलता है। रोग के लक्षण दिखने पर रोग ग्रसित पौधों को सावधानी से तने से काटकर किसी बोरे या प्लास्टिक के थैले में इकट्ठा कर खेत से दूर ले जाकर जमीन में गहरा गाड़ दें, जिससे कि इससे दूसरे पौधों को नुकसान नहीं हो। आलू में झुलसा एक खतरनाक रोग है और सभी सावधानियां बरतने के बाद भी कभी कभी ये रोग लग जाता है। अगर झुलसा रोग के लक्षण फसल में दिख रहे हों तो रेडोमिल नामक कवकनाशी या फफूंदी नाशक का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। 20 डेसिमल खेत के लिए 40 लीटर पानी में 80 ग्राम रेडोमिल का घोल बनाएं और इसे पौधे पर, पत्तियों पर, तने पर और मिट्टी पर भी अच्छे से इसका छिड़काव करें। अगर रोग नियंत्रण में दिख रहा हो फिर भी एक हफ्ते के बाद एक छिड़काव कम से कम और अवश्य करना चाहिए। अगर रोग नियंत्रण में नहीं आ रहा हो तो एक एक हफ्ते के अंतराल पर कम से कम 3 या 4 बार इस रेडोमिल नामक फफूंदी नाशक का छिड़काव करना चाहिए। मोजैक भी आलू की फसल में लगने वाली एक महत्वपूर्ण बीमारी है। इस रोग में पत्तियों पर कोढ़ लग जाता है, यानी कि पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़कर सिमटने लगती हैं और बाद में पीली पड़कर सूख जाती हैं। इस बीमारी में पौधों की वृद्धि भी रुक जाती है और पौधा बौना होने लगता है। मोजैक कीड़ों द्वारा फैलता है, इसलिए कीड़ों के नियंत्रण के लिए निमास्त्र, अग्नास्त्र और ब्रह्मास्त्र आदि का 10-10 दिनों के अंतराल पर नियमित प्रयोग करना चाहिए और जिन पौधों में मोजैक के लक्षण दिखाई दें उन्हें उखाड़कर तुरंत नष्ट कर देना चाहिए। नियमित रूप से निमास्त्र, अग्नास्त्र और ब्रह्मास्त्र आदि का छिड़काव करते रहने से आलू की फसल में लगने वाले अन्य प्रमुख कीड़े जैसे रस चूसने वाले पतंगे, पत्ती पर फुदकने वाले पतंगे, वृग एवं कुतरा इत्यादि के आने की संभावना बिल्कुल नहीं के बराबर रह जाती है और इससे फसल को होने वाले नुकसान से भी बचाया जा सकता है। इस प्रकार आप भी अपने आलू के फसल को समय पर और नियमित रूप से जैव कीटनाशी का छिड़काव कर इसे बीमारियों से बचा सकते हैं और इसके उपज को भी बढ़ा सकते हैं।